खबर मध्य प्रदेश की शिवपुरी से, जहां एमकेएन की खबर का असर हुआ। दरअसल शिवपुरी जिले की नरवर तहसील के सुंडा बंजारी गांव में भीषण जल तबाही के बाद विस्थापित असहाय बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। वहीं प्रशासन की बेपरवाह उदासीनता की खबर को ग्राउंड जीरो से पुरजोर तरीके से दिखाया गया था, जिसके बाद प्रशासन से ने संज्ञान लेते हुए प्रभारी तहसीलदार को हटा दिया है। बता दें कि बाढ़ पीड़ितों ने तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना दर्द बयां किया था। वहीं अब तहसील में नए तहसीलदार की नियुक्ति के बाद देखना होगा कि वो बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या कार्रवाई करते हैं। रामकली, आप कहाँ की रहने वाली? सूढ़ा की। सूढ़ा की रहने वाली है। तो अभी आपको ये मंडी में रखा है? हाँ। कब से रखा गया ये मंडी? अजय बरसात भाई से जो सब भाग गया है, दस दिन सब भाग गया है, सब हम भाग गया, कुछ नहीं बचा हजी। तुम्हारी जमीन जमीन भी तबाह हो गई? बिल्कुल, जो नहीं। यहाँ से आपको गाँव वापस जाने के लिए बोला जा रहा है? कौन के द्वारा बोला जा रहा है? तो वो ही आए थे ना खाद दान बांटने के लिए, उन्हीं ने बोला। कौन कौन के द्वारा बोला? तहसीलदार ने तहसीलदार ने आपसे बोला कि यहाँ से जगह खाली कर दो। तो अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगी? अब हम कहाँ चले जाओ, हम कुछ नहीं बचो। गांव में तो आपका मकान तो गिर चुका है। सब गिर गए, मकान गिर गए, जमीन चली गई, मकान को हम बना लेते कच्ची पच्ची मरंजन जैसे तैसे, पर हम करवे खावे को हिलने न ले, हम कहाँ चले जावे। नहीं, हम बात करें कि बाढ़ पीड़ित और लाचार मजबूर लोगों की स्थिति ये है कि यहाँ से इनको प्रशासन द्वारा भी भगाया जा रहा है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये अपना सामान बांध कर कहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश साहब, ये सामान बांध के कहाँ जा रहे हैं? अपने घर जा रहे हैं। क्यों, यहाँ प्रशासन ने आपकी सारी व्यवस्थाएं कराई है, उसके बाद आप यहाँ से सामान बांध के क्यों जा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, आपको खाने की व्यवस्था तो यहाँ हुई है ना? खाना की व्यवस्था हुई है, अभी एक टाइम। और दूसरा, आपको रहने के लिए यहाँ कोई गद्दे या कोई टेंट वगैरह की कोई व्यवस्था ऐसी की है प्रशासन द्वारा? ऐसा कुछ नहीं किया सर। तो आप अब कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? अपने घर जा रहे हैं, सूंडा। अच्छा, सूंडर जा रहे हैं। तो सूंडर में तो आपका मकान गिर चुका है, तो आप उस मकान में कैसे रहेंगे? वहाँ लाइट भी नहीं है सर, नीचे रह लेंगे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन का भी इनको डर है कि जिसकी वजह से इनको यहाँ से भी अपने गांव वापस भगाया जा रहा है, जबकि गांव में इनके मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और वहाँ पर लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है, चूंकि डीपी में पानी भर चुका है और फॉल्ट भी इतना हो चुका है कि वहाँ पानी लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे में इनका रहना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़े ही संकट में है ये लोग। कैमरामैन शाकिर के साथ रशीद खान, एमकेएन, नरवर।